तो इसका मतलब ऑलमोस्ट 3.5 लीटर से ऊपर जो तेल था इसके अंदर एक्स्ट्रा जो डाला हुआ था, जो कि यहाँ से भी आपको कुछ ऑयल जो है 500 ml जैसा फिल करना होता है। हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु, मैं जितेंद्र। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओवर इंजन ऑयल फिलिंग से क्या प्रॉब्लम होता है। तो इंजन ऑयल के बारे में तो बात करेंगे। एक और टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं मेरे को पहले भी, जो कि यहाँ से भी आपको कुछ ऑयल जो है 500 ml जैसा फिल करना होता है, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं। तो ये सही है गलत है क्या है उसके बारे में डिटेल दूंगा मैं आपको। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ इंजन की कंडीशन। तो ये देखिए ऑयल जो है हर जगह से दिख रहा है बार बार, एंड ऑयल लेवल चेक करने का तरीका ये तो नहीं है, बट मैं आपको ऑयल लेवल दिखाऊंगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा फुल दिखाई रहा है। तो अब इसको बाइक को स्टार्ट करेंगे एंड फिर उसको आइडल में आने देंगे एंड देखेंगे इंजन ऑयल लेवल कैसा है। तो चलिए बाइक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इंजन ऑयल जो है वो लेवल कितना ज़्यादा है। दोस्तों 2 मिनट के लिए जो बाइक है वो स्टार्ट कर दी है, अभी इसको 10 मिनट के बाद जो है इसका इंजन ऑयल लेवल देखेंगे तो एग्जैक्ट आपको दिख जाएगा। प्लेन सरफेस में आपको खड़ा करना है मेन स्टैंड पे। दोस्तों 10 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, अब देखते हैं कि इंजन ऑयल लेवल क्या आता है। तो अभी तो पूरा काला काला दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा साफ करता हूँ एंड फिर आपको एक तरफ झुका के दिखाता हूँ कितना इंजन ऑयल है। तो अभी देखिए मेन स्टैंड में है, थोड़ा सा झुकाते हैं, थोड़ा सा झुकाइए, धीरे धीरे। अभी देखिए थोड़ा झुक गया है, हाँ अब जाके थोड़ा दिख रहा है ऑयल लेवल मैक्सिमम की तरफ में। और थोड़ा जान दीजिए और ये देखिए, हाँ पूरा नीचे रखिए। ओके, तो ऑयल लेवल जो है ऑलमोस्ट 3.2 लीटर्स के आसपास के इसके अंदर है। तो नॉर्मली क्या होता है बॉटम में ना 3 एरियाज होते हैं जहाँ से आपको ड्रेन करना होता है ऑयल, एंड वो जो होता है वो फॉलो नहीं करते कई लोग। तो इसके वजह से क्या होता है इंजन ऑयल निकालते भी नहीं है पूरा और 2.5 लीटर डाल देते हैं, या तो कई बार लोग जो है 3 लीटर डाल देते हैं, तीनों बोल्ट खोलने के बाद भी 3 लीटर डाल देते हैं, तो आइडिया ही नहीं होता है। इसके वजह से जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, एंड इसके वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती है ना वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इंजन ऑयल ज़्यादा होने से ना पहले तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपको देख रहे हैं ना ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इंजन प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्लच जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, ठीक है। ज़्यादा लुब्रिकेशन की वजह से इंजन प्रेशर तो बढ़ता ही बढ़ता है, क्लचेस जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते, एंड इंजन ऑयल कभी भी एक्सेस जो है ना वो नहीं डालना चाहिए। इंजन का हीट जो है वो भी इंक्रीज होता है, तो ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें कि हमेशा जब भी इंजन ऑयल फिल कराना हो ना तो किसी एक्सपर्ट की तरफ से फिल कराइए, एंड ऐसा मत करिए कि इसमें इंजन ऑयल ज़्यादा हो। आपको यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम लेवल दे रखा है उसको चेक जरूर कर लीजिए, एंड टॉप अप करने के लिए भी सेम। जब आपको टॉप अप करना है मतलब इंजन ऑयल लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, मानिए आपने 2000 किलोमीटर का चलाया हुआ है एंड 2000 किलोमीटर के बाद आपको टॉप अप करना है और यहाँ पर मिनिमम के आसपास आ चुका है, तो आप जो है उसमें थोड़ा सा ऑयल जो है जो सेम ग्रेड का जो ऑयल जो आपने यूज़ किया था वो इसके अंदर जो है आप 200-300 डाल के एक बार देख सकते हैं कि इसका ऑयल लेवल मैक्सिमम तक मैच कर सकते हैं। तो बॉटम में ही ऑयल रहना चाहिए, ऑयल को एकदम मैक्सिमम फिल ना करें जिससे कि वो सारे कंपोनेंट्स पे ओवरली जाए एंड ओवरहीट जो है वो क्रिएट करे। तो दोस्तों अब क्या करना पड़ेगा मुझको, एक बोल्ट खोल के ना इसमें से थोड़ा तेल निकालना पड़ेगा एंड उसके बाद जो है दोबारा चेक करेंगे, एंड अगर मिनिमम के आसपास हो गया तो हम इसमें दोबारा फिल करेंगे। तो ऑयल लेवल जो है हमको मेंटेन करना है, एंड ये जो आप फोटो देख रहे हैं यही है ओनर इस बुलेट के। तो चलिए इसमें से ऑयल ड्रेन करते हैं एंड फिर उसमें से जो है ऑयल को मेंटेन करते हैं, कितना मिनिमम होना चाहिए वो दिखाता हूँ आपको मैं। दोस्तों अभी जो मैंने ऑयल निकाला हुआ है वो फ्रंट बोल्ट से निकाला हुआ है, जो 12 ml का होता है वो मैंने निकाला हुआ है। तो इसमें से ऑलमोस्ट मैंने ये 1 लीटर का है, ये 250-300 ml का आसपास होगा, तो टोटल मैं बोल सकता हूँ कि 1.3 ml जो है मैंने निकाला हुआ है। अब क्या है अभी भी यहाँ पर ना फुल्ली दिखा रहा है, तो इसको क्या करेंगे एक बार स्टार्ट करेंगे
आइडल पे ही स्टार्ट करना है, 1 मिनट 2 मिनट्स के लिए इसको स्टार्ट करके रख देते हैं। देन उसके बाद जो है इसका ऑयल लेवल चेक करेंगे कैसा इसका ऑयल लेवल है, क्योंकि अभी जो हमने ऑयल निकाला हुआ है वो क्रैंक की तरफ से निकाला हुआ है, तो इस तरफ जो है ऑयल होगा, तो एक बार पूरा इसको चालू करते हैं तो सारे पंप जो है चालू होकर हर जगह ऑयल आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर चेक करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट हुए हुए 10 मिनट के आसपास हो चुके हैं एंड अब देखते हैं ऑयल लेवल। तो अभी आप देखेंगे ऑयल लेवल कि एकदम सेट हो गया है, ये मैक्सिमम ही है, मतलब इसमें मेरे को ऑयल अभी टॉप अप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, मैं टेढ़ा करके थोड़ा सा, ये देखिए, ये देखिए ऑयल लेवल जो है अभी एकदम नीचे टच है मेन स्टैंड में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर इसमें ऑयल लेवल बराबर हो गया है तो इसका मतलब ऑलमोस्ट 3.5 लीटर से ऊपर जो तेल था इसके अंदर एक्स्ट्रा जो डाला हुआ था, तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। तीनों ड्रेन बोल्ट जो है वो ओपन करना चाहिए नीचे में, यहाँ पर और यहाँ पर तीन आते हैं नीचे बॉटम साइड पर, और फिल आपको यहीं से करना है। ठीक है, बाकी सभी जो है वो जुगाड़ है, उस अवॉइड करिए। एक ही जगह से आप जो है पूरा 2.5 लीटर जो है ऑयल जो है फिल कर सकते हैं। कई बार लोग ज़्यादा ही फिल करते हैं, ठीक है, कई बार लोग नाप कर अच्छे से नहीं करते, बट ऑयल लेवल के साथ में ना उतना मिस्टेक नहीं होता। एक बार फिल करने के बाद फिर भी एक बार चेक कर लिया करिए। तो चेक करने का तरीका सिंपल है, तो दोस्तों चेक करना बहुत ईजी है। अपनी बाइक को जो है आइडल पे 1 से 2 मिनट के लिए स्टार्ट कर दीजिए एंड उसके बाद 10 मिनट बाद चेक करेंगे ना कि ऑयल लेवल आपको अच्छे सा सही ऑयल लेवल जो देगा, सरफेस जो होना चाहिए वो स्मूथ होना चाहिए, एक तरफ टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, तो वो वैसा चेक करके देखिएगा ऑयल लेवल जो आपको आइडिया हो जाएगा प्रॉपरली। एंड अभी मैं इस ऑयल को रखने वाला हूँ, एक बार ऑयल को रखते हैं कल तक के लिए, एक छोटा मोटा राइड करके आएंगे, फिर उसके बाद दोबारा ऑयल लेवल चेक करेंगे, फिर देखेंगे इसका करना क्या है। एंड दोस्तों एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे कि आप मालूम है कि ये जो है ना ये है फिलिंग एरिया, ठीक है, ये मेन फिलिंग एरिया है। अगर आप यहाँ से फिल करते हैं ना तो सारे इंजन में यहीं से पहुँच जाएगा जो कंपनी ने दिया हुआ है, और तीन नीचे से ड्रेन एरिया दे रखा हुआ है, वो तीन आपको एरियाज में से अगर आप जब वहाँ से बोल्ट खोलते हैं तो वहाँ से आपके सारा जो ऑयल है वो ड्रेन हो जाएगा नीचे से, ठीक है। एंड यहाँ पे ना कई बार ना लोग ऐसा बोलते हैं कि ये भी बोल्ट खोल के यहाँ से आपको 500 ml डालना चाहिए, ठीक है, बेट अच्छा रहता है। दोस्तों डालने से वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो कोई गलत चीज़ नहीं है, आप डाल सकते हैं, बट डालना ज़रूरी है करके ऐसा बोला तो वो गलत है। ऐसा कोई भी नहीं है कॉन्सेप्ट कि यहाँ से ऑयल डालना हो, ये एक्चुअली चेन को यहाँ से ओपन करके ना चेक किया जाता है, इंस्पेक्शन के लिए होता है एरिया ये, ठीक है, ना कि ऑयल फिल करने के लिए। तो अगर कोई मैकेनिक बोले कि यहाँ डालना ज़रूरी है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप डाल रहे हैं तो गलत कुछ नहीं है, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ से 500 ml डालना ही डालना है। तो अगर आप यहाँ से 2.5 लीटर डालते हैं कोई इशू नहीं है। आई होप दोस्तों आपको मैक्सिमम डिटेलिंग जो है ना वो क्लियर हो चुकी है, बहुत इजी है, सिंपल लैंग्वेज बताया हुआ मैंने आपको कि ऑयल कैसे फिल करना है। एंड दोस्तों मिनिमम और मैक्सिमम का जो ऑयल लेवल है ना उसको मेंटेन करिए, ठीक है, अगर मिनिमम में आ चुका है तो टॉप अप करके आप उसको मैक्सिमम तक ले आ सकते हैं, मैक्सिमम से अगर ऊपर जा रहा है तो ऑयल जो है ड्रेन करिए एंड दोबारा से फिर ऑयल को मेंटेन करिए। मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक टॉप अप और जो मैक्सिमम लेवल है ना उसको मेंटेन करना जरूरी है इंजन की लाइफ के लिए, वरना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है ना फेस करने मिल जाती है, खासतौर से क्लच की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, और ये जो लीकेज वाली प्रॉब्लम होती है ना बाजू जो ऑयल लगने जाता है ये सब प्रॉब्लम देखने मिल जाएगी। तो आई होप आपको मैक्सिमम डिटेल क्लियर हो चुकी होगी एंड अगेन जो है मार्केट मिथ से थोड़ा बचिए, ठीक है, कई लोग जो होते हैं ओवर स्मार्ट बनने चक्कर में अलग अलग चीज़ें बोल देते हैं, जैसे कि वो जो बोल्ट वाली बात है उस तरफ में आपको एक बोल्ट मिलता है वहाँ से भी 500 ml लाना पड़ता है, वैसा कुछ जरूरत नहीं होता, ठीक है, एक ही एरिया दे रखा है ऑयल फिलिंग के लिए, वही एरिया फॉलो करिए, बाकी जुगाड़ से बचिए। तो दोस्तों यहाँ वीडियो बंद करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखते रहिए ब्लड ग्रुप, ऐसी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। बाय।